नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम USD INR और GBP INR का डाटा और चार्ट की मदद से एनालिसिस करेंगे। हम अपने दोस्तों का भी व्यूज जानेंगे कि हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे कुछ मेंबर्स ने हमारे साथ व्यू शेयर किया, तो हम उनका भी व्यू जानेंगे और वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम चार्ट्स पर चलते हैं। ये USD INR का फ्यूचर्स का वीकली चार्ट है, इसे मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं। तो यहां एक हमने सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की है और दोस्तों यहां एक रेजिस्टेंस जोन, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमने बनाने की कोशिश की है। जैसा कि आप यहां देखेंगे कि इस जोन में यहां भी इसने रेजिस्टेंस लिया, इन लेवल्स में यहां भी इसे एक अच्छा रेजिस्टेंस आया, फिर रेजिस्टेंस आया। तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस जोन, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। और इस रेजिस्टेंस जोन को अभी USD INR को बीट कर पाना, इससे ऊपर निकल पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर हम अब इसे डेली चार्ट में देखना चाहें तो डेली चार्ट में यदि आप देखेंगे ये तीन ट्रेडिंग सेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि 27 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए जो सेशन शुरू हुए 28, 29, 30 और 1 तारीख, 4 सेशन अभी तक हो चुके हैं। ट्यूसडे को एक्सपायर होने के बाद, ट्यूसडे 12:30 बजे एक्सपायर होने के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और दोस्तों डेटा में हम देखेंगे कि उन सेशंस में क्या हुआ, पर आप देखेंगे कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी रेड कैंडल इन दो ग्रीन कैंडल के मूवमेंट को हाइड कर दे रही है, खत्म कर दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं इन लेवल्स पर, इन इसके हायर लेवल्स पर एक सप्लाई हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम आवरली चार्ट में थोड़ा सा और एक्सपेंशन करके देखना चाहें तो हम ये देखते हैं आवरली चार्ट में यहां इस जोन को 2 बार टेस्ट किया गया। इस जोन को दोस्तों मैं इस जोन की बात कर रहा हूं जो ये 74.54 का जोन है, आप देखेंगे तो इस जोन को आवरली चार्ट में इस कैंडल के बाद यहां टेस्ट किया गया। इसके बाद यहां भी ये एक बिल्कुल एक अच्छा टेस्ट का एग्जांपल है कि इस कैंडल को यहां टेस्ट किया गया और टेस्ट एंड फेल, हम बोलते हैं टेस्ट एंड फेल, तो टेस्ट एंड फेल का ये एग्जांपल है कि यहां इस कैंडल को टेस्ट करने के बाद ये फेल हो गई और USD INR हमें नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया, जिसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छी सप्लाई हमें USD INR में देखने को मिली। तो दोस्तों ये तो अभी चार्ट की मदद से हमें समझ आता है, एक बार डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में आप देखेंगे तो फ्यूचर्स के डेटा में जो हमने रोल ओवर से शुरू किया, जो हमने ओपन इंटरेस्ट से शुरू किया वो लगभग 17 लाख था, दैट इज 17 लैक्स। तो ये ओपन इंटरेस्ट जो है दोस्तों अभी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 3-4 दिन की जो ट्रेडिंग हुई, जो 74.55 का हाई लगाया, इस हाई को टेस्ट किया गया अगले दिन, फेल हुआ। तो दोस्तों ये जो हाई लगा, ये टेस्ट इन फेल हुआ, तो आपको ओपन इंटरेस्ट में कोई खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे। और इसके अलावा यदि मैं आपको पिछले महीने का ओपन इंटरेस्ट, रोल ओवर का ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं, ये सितंबर की शीट है, सितंबर की एक्सपायरी के लिए है, तो दोस्तों यहां आपको एक अच्छा नंबर नजर आएगा जो कि 22 तारीख को था, 1,36,000। तो इसके बाद यदि आप इन नंबर्स को जोड़ें और इसकी रेंज देखें, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी लास्ट सेशन में भी कि 73.97 या 95 जो ये इसका हाई है और जो ये इसका लो है 73.7 के आसपास में या 73.6 के आसपास में, यहां इस जोन में दोस्तों, इस जोन में ये वीवैप बना रहा है 73.75 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 73.75 यानी वीवैप से लेके जो हायर लेवल है 73.95, वहां दोस्तों एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट का रोल ओवर हुआ है। और उस रोल ओवर को हमें देखना होगा, जबकि USD INR नीचे की तरफ था तो हम उसे एक सप्लाई के रूप में देख सकते थे यदि इस महीने की ट्रेडिंग में वो नीचे की तरफ जाता, लेकिन वो इस पॉइंट, इस लेवल के ऊपर निकल गया, 73.95 के ऊपर निकल गया। तो दोस्तों हमें एक उम्मीद है कि 73.75 से 73.95 का जो जोन है,
ये एक अच्छा सपोर्ट जोन अब बनकर आएगा, एक अच्छा यहाँ इसे यूएसडी आईएनआर को सपोर्ट मिलना चाहिए। ये हमें पिछली बार के डेटा से समझ आता है, रोल ओवर के डेटा से समझ आता है। इस बार का यदि हम डेटा देखें तो इस बार के डेटा में हमें कोई भी एग्रेशन नजर नहीं आता। उसके साथ साथ जो वीवैप है, वीवैप आप देखेंगे तो 74.45 और 40 की एक रेंज बन गई है, बिल्कुल एक रेंज बन गई है। तो आप ये मान के चलिए कि 74.4 और 74.55 ये 15 पैसे की जो रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई रेंज अब यूएसडी आईएनआर में हमें बनती हुई नजर आती है। तो दोस्तों ये डेटा और चार्ट की मदद से था। इसके बाद मैं आपको स्ट्रेडल की फॉर्मेशन में बता देता हूं। तो स्ट्रेडल की फॉर्मेशन में दोस्तों यदि हम 28 तारीख से यदि हम डेटा देखना चाहें, तो अगर आप चेंज इन ओआई का डेटा देखेंगे तो 74.5 की कॉल में 28 सितंबर से एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन रहा था, 29 सितंबर को भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना। यूएसडी आईएनआर तेजी की तरफ जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं जो ये यहाँ राइटिंग करके भी बैठे हैं? यानी उन लोगों का व्यू इतना स्ट्रांग है, उन्हें पता है कि उन्हें बहुत अच्छा प्रीमियम खाने को मिल रहा है और वो इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों 1 अक्टूबर के दिन भी यदि आप देखेंगे तो 74.5 पर भी आपको एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आया है। और यदि इसके पूरे बार चार्ट को देखेंगे तो आपको 74.5 पर ही 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 2.5 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट अभी बनकर सामने आ गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अच्छी वॉल फॉर्मेशन का काम अभी यूएसडी आईएनआर में 74.5 की कॉल कर रही है। और यदि हम इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का ही एनालिसिस करें पिछले 4 दिन का, तो हम देख पाते हैं कि ट्रेडेड क्वांटिटी ओब्लिक चेंज इन ओआई, दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई और उस ट्रेडेड क्वांटिटी में से कितनी क्वांटिटी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में हमें दिखती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सामने सामने से कितने लोगों ने पोजिशन बनाई है, उसका परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज भी काफी अच्छा है। 20% 18% लोग जो है पोजिशंस को रोल ओवर कर रहे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 74.5 की कॉल में। तो दोस्तों 74.5 की कॉल ही अपने आप में एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाती हुई नजर आती है। तो फ्यूचर के डेटा से, स्ट्रेडल के डेटा से और चार्ट की फॉर्मेशन से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 74.4 और 74.55 के रेंज हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस की रेंज नजर आती है, सप्लाई की रेंज नजर आती है, जैसा कि यहाँ टेस्ट एंड फेल का भी पैटर्न बना है। और उसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ 73.75 से 73.95 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि वहां रोल ओवर में लॉन्ग्स की भूमिका, रोल ओवर में लॉन्ग्स ने शॉर्ट्स के ऊपर महारत हासिल की है, जीत हासिल की थी। तो दोस्तों इसके बाद हम एक बार हम एनालिसिस देख लेते हैं जो हमें अर्पित सेठी जी ने यूएसडी आईएनआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजा है। उन्होंने ये खूबसूरत चार्ट हमें बनाकर भेजा है, यूएसडी आईएनआर का ये मंथली चार्ट है। और जो उनकी राइटिंग है वो कुछ इस प्रकार है कि वो बताते हैं कि 74.65 जो है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यदि ये इफ इट ब्रेक अबाउट द डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन, ये एक डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन इन्होंने ड्रॉ की है, और इस लाइन पे वो ये बताते हैं कि यदि ये लाइन ब्रेक होती है तो ये 73.95 पे सपोर्ट 75.2 तक जा सकता है। नीचे की तरफ 73.95 एक सपोर्ट का काम कर सकती है, और यदि ये ब्रेक होती है तो 73.5 या 73.2 जो पिछले महीने के लोअर लेवल्स थे वो हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा वो बताते हैं कि 50 EMA जो है वो रेड लाइन में है, और यूएसडी आईएनआर को 50 EMA पे गुड सपोर्ट लेना चाहिए। तो 50 EMA जो ये रेड लाइन है, इस पे एक यूएसडी आईएनआर को गुड सपोर्ट लेना चाहिए, और वो रेड लाइन भी अभी अपने आप में 73.95 के आसपास में ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये अर्पित सेठी जी का व्यू था, हम अपने दोस्तों का व्यू आपके साथ शेयर करते हैं, इससे हमें भी सीखने में मदद मिलती है और आपके लिए भी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी, हमारे मेंबर्स के अलग अलग व्यू प्रेजेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक बार DXY का चार्ट भी देख लेते हैं, वो भी यूएसडी आईएनआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बनता है। तो
यहाँ यूएसडी आईएनआर का मैं वीकली चार्ट की चर्चा करूंगा, और वीकली चार्ट में हमने एक सप्लाई जोन बना के रखा हुआ है यूएसडी आईएनआर में, हमें एक ये होल्ड जोन या यूं कहें सप्लाई जोन समझ आता है, जबकि यूएस और डॉलर इंडेक्स ने यहाँ एक सप्लाई लेके नीचे की तरफ जाने की कोशिश भी की है। हालांकि जो इसकी ये ट्रेंड लाइन होगी, यहाँ ये सपोर्ट लेगा, ये इसका एक सपोर्ट जोन भी बनता है। इतनी तेजी के बाद फॉल इतना एब्रप्ट मुझे लगता है इसमें नहीं आएगा, ये यही इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये डॉलर इंडेक्स के फॉर्मेशन डॉलर इंडेक्स में था। अब हम बात कर लेते हैं GBP INR के बारे में। तो दोस्तों अब हम GBP INR के बारे में बात कर लेते हैं, और GBP INR में दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मोस्ट एक्टिवली GBP INR संतोष जी ट्रेड करते हैं। मैं उनको बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी एक्टिवली GBP INR ट्रेड करते हैं, और लोगों हमारे मेंबर्स को भी कन्विंस करते हैं, मदद करते हैं GBP INR ट्रेड करने के लिए। तो इस बार संतोष जी ने भी अपना GBP INR का व्यू हमारे साथ शेयर किया है, वो व्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों ये GBP INR का डेली चार्ट है जो संतोष जी ने हमें भेजा है, उनकी राइटिंग में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूं जो उन्होंने राइटिंग में लिखे हैं। जैसा कि एक RSI का मेंशन किया है डेली चार्ट में कि ये 40 के ऊपर आ गई है। यहाँ एक GBP INR में बेशक हमें एक बाउंस देखने को मिला है। इसके अलावा GBP INR में वीकली चार्ट बना के भेजा है जिसमें एक सुपर ट्रेंड, दोस्तों उन्होंने टेक्निकल्स यूज किए हैं, जैसा कि सुपर ट्रेंड 10 और 3 का यूज किया है जो कि एक बुलिश पैटर्न दे रहा है, और यहाँ इसने एक सपोर्ट लिया सुपर ट्रेंड पर, और एक EMA जो कि एक ब्लू कलर की लाइन है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, वो उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों वो इस प्रकार लिखते हैं कि US का जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स हैं वो टेक ऑफ करने को बिल्कुल तैयार हैं, और वो बुलिश हैं GBP INR में, जिसमें एक रीजन तो वीकली चार्ट में वो बताते हैं सुपर ट्रेंड का, जैसा मैंने आपको दिखाया कि सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट लिया। उसके अलावा वो बताते हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये GBP INR में फर्स्ट रेजिस्टेंस 21 EMA के पास आना चाहिए, जो कि अभी अभी के लेवल से 50 पैसा दूर है। तो हम यदि अब भी लॉन्ग करते हैं तो एक उम्मीद बनती है कि जब वो रेजिस्टेंस लेगा तो 50 पैसा तो दे ही देगा। डेली चार्ट में सेकंड ग्राफ में डेली चार्ट में RSI में एक सपोर्ट 40 के RSI 40 के ऊपर आ रही है, ये डेली चार्ट में RSI 40 के ऊपर आ रही है, यहाँ एक सपोर्ट देखते हैं। तो दोस्तों GBP INR में ये था संतोष जी का व्यू। एक बार मैं अपना और प्रेजेंटेशन आपको GBP INR में दे देता हूं, क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम मैंने भी GBP INR लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया, हालांकि मैंने इंट्राडे ट्रेड किया और मैं बहुत जल्दी निकल गया, या यूं मानिए कि मेरा एक छोटा सा लॉस था जिसे मैं कवर करके निकल गया। लेकिन दोस्तों GBP INR में मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जर्वेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि ये बार बार इन लेवल्स पे नीचे आ रहा था, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। तो दोस्तों ये एक कंसोलिडेशन का जोन बन गया है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का जोन बन गया है। और ये एक कंसोलिडेशन का जोन बन गया है। अब इस कंसोलिडेशन के जोन के ऊपर ये चला गया है, तो दोस्तों यहां इसे यहां अगर ये रिट्रेस भी होता है तो जो ये दो कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो दो कैंडल आप देख रहे हैं जहां तेजी के बाद इसने हॉल्ट किया, रिट्रेस किया और फिर तेजी दिखाई, तो इस कैंडल पे इसे एक डिमांड लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो मेरा एक डिमांड जोन जो मुझे समझ आता है वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ यहां होगा 100.35 के आसपास में, मुझे लगता है ये इसका डिमांड जोन बनता है। और ऊपर की तरफ मैं इसमें एक बुलिश पोजीशन लेना पसंद करूंगा, जैसा कि संतोष जी ने बताया, और मेरा स्टॉप लॉस इंट्राडे में मूवमेंट के अकॉर्डिंग 100.35 के आसपास का रहेगा। तो दोस्तों ये GBP INR में मेरा व्यू रहेगा। और यदि आप पोजीशन साइज कम रखते हैं और आप इस स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं, तो दोस्तों ये बहुत अल्टीमेट स्टॉप लॉस अभी GBP INR के लिए रहेगा, इस महीने के लिए रहेगा, पोजिशनल व्यू के लिए रहेगा। नीचे का स्टॉप लॉस 99. जो GBP INR में आप ये नीचे का लेवल देखते हैं, ये एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस रह सकता है नीचे के लिए। लेकिन यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, तो 100.35 का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि यहां तक इसे एक बाउंस इसके ऊपर ले लेना चाहिए, तो ये एक स्टॉप लॉस मुझे समझ आता है। उसके बाद दोस्तों पे ऑफ चार्ट में एक स्ट्रेटजी में आपको
जैसा कि यूएसडी आईएनआर में हम बता रहे थे, यूएसडी आईएनआर के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पे ऑफ चार्ट में भी एक स्ट्रेटेजी बनती है जो एक आयरन कॉन्डोर बनाने की हमने कोशिश की है, जिसमें यदि मैं आपको लेवल्स वैल्यूज दिखाना चाहूं तो 74.5 24 पैसा है और 74 की जो पुट है वो 19 पैसा या 20 पैसा है, तो ऑलमोस्ट 44 पैसे का गेन हमें इस रेंज में मिलता है। तो दोस्तों यूएसडी आईएनआर जैसा कि हमने अपनी रेंज की चर्चा की है, और यदि यूएसडी आईएनआर उस रेंज में रह जाता है, हमारी इज्जत रख लेता है, हमारी बात की इज्जत रख लेता है, तो दोस्तों ये आयरन कॉन्डोर हमें बिल्कुल पैसा देगा। और इस आयरन कॉन्डोर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 50-50 पैसा दूर में एक लॉन्ग पोजीशंस भी ली हैं। तो यदि आप लॉन्ग पोजीशन डायरेक्शनल व्यू के साथ लेना चाहते हैं, जैसा कि हमें लगता है कि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है 74.5 के ऊपर, तो मैं कॉल लॉन्ग की पोजिशन नहीं लेता। तो दोस्तों ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस, जिसमें हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एक स्ट्रेटजी ट्रेड करने का जो एक स्ट्रेटजी बनती है, जो मुझे समझ आती है, वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, जिसमें हम 74.5 की कॉल को लॉन्ग करें और 74 पे दोस्तों हम कॉल को शॉर्ट करें। तो एक बार मैं वैल्यू देख लेता हूं, 74.5 की कॉल 24 पैसा है, 74 की कॉल 48 पैसा है, 48 पैसा है, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, 74.5 की 24 पैसा, 74 की 48 पैसा वैल्यू डाल देते हैं। इसके साथ हम पुट शॉर्ट करते हैं 74 की 19 पैसा पर, और ये पोजीशन जीरो कर देते हैं, हटा देते हैं एक बार को। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी बनती है, इसमें 73 में दूर जाके यदि हम लॉन्ग लेना चाहें ताकि हमें मार्जिन प्रोटेक्शन मिल जाए, तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी बनती है, जिसमें हमने ऊपर की साइड में एक फिक्स लॉस मार्जिन सेट कर दिया है, और नीचे की तरफ हम इसे एक सपोर्ट जोन लेकर चलेंगे कि नीचे ये सपोर्ट लेगा। तो हमने अभी फिलहाल के लिए 74 में, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे इस चार्ट में देखेंगे तो स्ट्रेडल के चार्ट में देखेंगे तो 74 में अभी दोनों तरफ दोनों पार्टीज का टसल चल रहा है, दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम हो गई है, और 74.5 का यदि आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो वो भी सॉरी 74 का यदि हम पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो वो भी 1 के आसपास आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 74 के प्रीमियम को अच्छे से इरोड करना चाहिए, और दोस्तों किसी भी तेजी के लिए हमने एक प्रोटेक्शन ली है, हमने ऊपर की तरफ लॉन्ग किया है, इस लॉन्ग को आप 74.75 पर भी ले जा सकते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये हम एक सजेशन देना चाह रहे थे, पोजिशन के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो काफी बड़ा हो गया है, हमने आपके साथ यूएसडी आईएनआर का व्यू शेयर किया, जीबीपी आईएनआर का व्यू शेयर किया। यदि आपको व्यू पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।